फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हरीश आजाद और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी स्नोमैन कैसे हम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले तो हमें स्नोमैन बनाने के लिए ज़्यादा अमाउंट में बर्फ़ को इकट्ठा करना था। उसके लिए जो बेस्ट वे है स्नो को इकट्ठा करने का, स्नो रोल्स। तो हमने स्नो रोल की सहायता से हमने बहुत ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठा कर ली थी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आप छोटे से अमाउंट में स्नो को लेंगे और उसको राउंड राउंड करते रहेंगे। प्लेटफॉर्म बनाना था, उसके लिए हमारे पास और ज़्यादा बर्फ़ की ज़रूरत थी। तो उसके लिए हमने फिर से वही स्नो रोल का इस्तेमाल किया। उसमें छोटे से अमाउंट में हम बर्फ़ को लेंगे, उसको राउंड राउंड करते रहेंगे और जैसे जैसे हम उसको रोल करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास बर्फ़ उस पर चिपकती जाएगी और एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे पास बर्फ़ इकट्ठा हो जाती है। और ये रही हमारी दो लेग्स। तो हमने काफ़ी बर्फ़ को इकट्ठा कर रहे थे, कुछ लोग बर्फ़ को इकट्ठा कर रहे थे तो कुछ लोग स्नोमैन का जो प्लेटफॉर्म था उसको बनाने में लगे थे। तो हमारी लेग्स बनकर तैयार हो गई थी। उसके ऊपर हमने फिर से एक और स्नो रोल रखा क्योंकि हमें काफ़ी बड़ा स्नोमैन बनाना था। देखिए, जो इसके बीच में गैप रह रहा था तो उसको गैप को भरने के लिए हमने इसमें फिर से हमने स्नो डाली ताकि इसका बैलेंस बना रहे। और फिर काम शुरू होता है हमारा इसके बॉडी पार्ट्स बनाने का। जैसे कि इसकी आर्म हमें बनानी थी तो लेफ़्ट साइड की आर्म बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक स्टिक ली, उसको शोल्डर पे डाला और उसके बाद कमर पे डाला तो उसके चारों तरफ हमने बर्फ़ लगाई जिससे कि उसमें मजबूती रहे ताकि पकड़ रहे, इतने आसानी से वो टूटे ना। क्योंकि दिन का टाइम था और बर्फ़ काफ़ी मुश्किल हो रही थी हमें ना बर्फ़ को इकट्ठा करने में, उसे एक शेप में डालने के लिए, क्योंकि बर्फ़ पिघलती जा रही थी। की बाजुएं बन चुकी थी। उसके बाद अब हमने इसकी नेक बनानी थी तो उसके लिए हमें अननेसेसरी बर्फ़ थी उसे हटानी थी। उसके लिए हमने स्टिक ली, तो स्टिक के जरिए हमने जो भी अननेसेसरी बर्फ़ थी उसे हमने हटाने का काम शुरू किया। ढांचा तैयार करने के बाद हमने इसके फेस बनाने की तरफ हम गए। तो फेस बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसकी चेन बनाई, जिनके बाद लिप्स, आईज, नोज, ईयर। तो काफ़ी टाइम लग गया इसमें क्योंकि काफ़ी बारीकी से ये काम करना था, क्योंकि ये जो हमारा स्नोमैन था ये बीच में हिल भी रहा था तो इसमें काफ़ी सपोर्ट भी हमने दिया हुआ था। जैसा कि आप देखते हैं कुछ हद तक हमारा जो शेप थी स्नोमैन की वो ऑलमोस्ट फेस की भी बन चुकी थी। जो हमारे मेन कारीगर थे स्नोमैन को बनाने में, काफ़ी अच्छी मेहनत और निकाशी से वो उसके नोज़ को बना रहे थे और उसके फेस को डिज़ाइन कर रहे थे। फेस बनने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम इसकी दाढ़ी मूछें भी बनाएंगे। तो मार्कर गाड़ी में पड़ा था तो मैंने मार्कर लाया और उसके बाद हमने इसकी जो
सबसे पहले मूछें बनाई, उसके बाद दाढ़ी बनाई, क्योंकि ऐसे ही अगर हम इसको देख रहे थे तो वो लुक नहीं दे पा रहा था क्योंकि बिल्कुल ही वाइट था। तो अब थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर देखने को लगना था ये, तो इसकी हमने दाढ़ी मूछें हमने बिल्कुल डिज़ाइन कर दी थी। दोस्तों दाढ़ी मूछें बनाने के बाद भी जो गेटअप चाहिए था, जो एक लुक चाहिए थी, वो स्नोमैन में हमें देखने को नहीं मिल रही थी। तो उसके लिए हमने एक चुन्नी ली जो कि उसके सिर पे बांधी। और जो एक और चुन्नी हमने ली थी उसको हमने उसके कमर पे एज ए धोती उसको हमने यूज़ किया। ये हमारा स्नोमैन बन के तैयार हो गया है और आप देखिए इसे, और कैसा आपको लग रहा है, कैसा आपको लगा हमारा स्नोमैन, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं। हमारी जो टीम है इनकी मेहनत के लिए एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइबर तो ज़रूर बनता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगी, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।